आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं नहीं जा रहा क्या? मन नहीं कर रहा। अरे जाओ फैक्ट्री जाओ, तुम फैक्ट्री जाओ। जल्दी आए, तुम्हारे बिना मन ही कहाँ लगता है। मन करता है हर वक्त तुम्हें अपनी बाहों में रखूं। अरे मम्मी जा जाएगी तो कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। हाँ तुझे तुम भी ना। क्या मैं क्या मम्मी क्या क्यों शंकर कहाँ खो गए? अरे भाई रजनी को यहीं क्यों नहीं ले आते? अरे तुम उसे दिन भर निहारते भी रहना और काम भी करते रहना। यानी आम के आम गुठलियों के दाम। जी मालिक। हाँ क्या बना है आज खाने में? आप ही की पसंद का खाना बना है। खाना भी मेरे पसंद का और मेरी बीवी भी मेरे पसंद की। पता है जब तुम चले जाते हो मेरा तो मन ही नहीं लगता। सच सच में तुम अपनी आंखें बंद करो। अरे करो तो सही। अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना हमारा मन लगता है? बिल्कुल नहीं, दिन भर तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। हम भी तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। सच? तो ये फिर मुझे याद करने के लिए आ आ आ आ ये तो बहुत दर्द भरा इनाम था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि फैक्ट्री में मेरे साथ काम करो? सच में? मैनेजर साहब भी कह रहे थे अगर तुम अगर फैक्ट्री आना चाहो काम करना चाहो तो कर सकती हो, वहाँ और भी औरतें हैं जो काम करती हैं। अरे हाँ तुम धागा काटने का काम अच्छा कर सकती हो। तो हम कल आ रहे हैं आपकी फैक्ट्री में धागा काटने। सच? जरा मेरी तरफ देखिए, देखो ना। देख तो रहे हैं। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। झूठे कहेंगे। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरा उधर देखो 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 हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। सच सच ये हमें प्यार करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ आपको आपके अधिकारों के बारे में बताने आए हैं। आपके अधिकार यानी श्रमिक अधिकार, मजदूरों का अधिकार। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम मजदूरों के भी भला कोई अधिकार होते हैं क्या? अरे देखिए साहब हम मजदूर लोग इधर काम करते हैं और इधर पैसा लेते हैं, बस अपना तो यही सीधा सा हिसाब है। देखो भिखू अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका ये अधिकार है कि आप अपने मालिक से उस दवाई के पैसे यानी मेडिकल भत्ता मांगे। हाँ यही तो बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों के क्या क्या अधिकार हैं।
ये कार्यशाला इसलिए चलाई जा रही है ताकि फैक्ट्री मालिक आपको मिले कानूनी अधिकारों और सरकार द्वारा घोषित सुविधाओं से आपको वंचित ना कर सके। इसीलिए आप लोगों का कानूनी साक्षर होना बहुत जरूरी है। कानूनी साक्षर? कानूनी साक्षर यानी कानूनी अधिकारों का जानना। यहाँ बैठे सभी लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि आप अपने तय समय से ज्यादा काम करते हैं तो उसे ओवर टाइम कहा जाता है। ओवर टाइम? हमको समझे नहीं बाबूजी। ज्यादा काम ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा कमाई। लो वो आ गया खड़ूस नया सुपरवाइजर। हाँ मालिक का पिट्टू है, अब आराम से रोटी भी नहीं खाने देगा, कहेगा जल्दी काम करो, चलो रोटी खा। और चलो उठो अभी अपना तामझाम समेटो और काम पे लगो। चलो हो गया लंच टाइम, चलो अभी 5 मिनट रहते हैं साहब। तो सिर पे नाचेगा क्या? चल काम कर। खाना भी नहीं खाने देगा क्या? और सुन लो, मालिक ने कहा है कि फैक्ट्री में आज कुछ ज्यादा काम है, इसीलिए आज तुम सब लोगों को देर तक काम करना पड़ेगा, समझे? चलो अब काम पे लग जाओ, चलो। वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन हम सब जितनी देर ज्यादा काम करेंगे उसका अलग से पैसे तो दोगे ना? तेरा मतलब क्या है? मतलब कि ओवर टाइम मिलना चाहिए साहब। ये ओवर टाइम किस चिड़िया का नाम है भाई? हाँ इससे पहले यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ आज से पहले इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सबको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। पर अब हम सब जान गए हैं कि किसी भी मजदूर से समय से अधिक काम लेने पर उसको ओवरटाइम मिलना चाहिए। हाँ मालिक, हमें अलग से पैसा दोगे तभी हम लोग देर तक काम करेंगे, नहीं तो अपने समय से अपने घर चले जाएंगे। हाँ बिना पैसे के ओवरटाइम नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। सुन सरिता, अगर तुझे भाषणबाजी का इतना ही शौक है तो बाहर जाके किया कर, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। यहाँ काम करना है तो यहाँ के कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये तेरे नियम नहीं चलने वाले। और नहीं तो वो रहा दरवाजा जयराम जी की। तो एक बात तुम भी सुन लो, ये तुम्हारे हमारे बनाए कानून नहीं है, ये सरकार द्वारा बनाए गए कानून है हम जैसे गरीब मजदूरों के लिए, ताकि तुम लोग हमारा खून न चूस सको। बिल्कुल ठीक। और एक बात, अब हम अनजान नहीं रहे कि तुम हमें मूर्ख बनाकर एक वक्त का पैसा देके दो दो वक्त का काम कराओ। देख सरिता, तू तो खामोखा छोटी सी बात के लिए लाल पीली हो रही है। इधर आ सुन, देख तुझे ओवर टाइम के लिए पैसा चाहिए ना? हाँ मैं मालिक से बात करूंगा, ठीक है? तू काम तो कर। हाँ मैं तुझे पैसा दिलाऊंगा ना, ठीक है? अब चलो भाई बात होगी, चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो चलो। मुझे नहीं, हम सबको पैसे चाहिए। हाँ भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम सबको ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। करता हूँ मैं मालिक से बात। हाँ चलो करो काम, चलो चलो करो। अरे बिटिया आज तो तूने कमाल कर दिया। मानना पड़ेगा सरिता बहन, तुमने तो आज सुपरवाइजर की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। चलो उठाओ अपना, उठा ले। साहब जी हमें कुछ कहना था। हाँ कहो। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। हमने अपने मालिक को कह दिया है कि अब मजदूर तभी काम करेगा जब उसको ओवरटाइम मिलेगा। कानूनी साक्षरता का तुमने सही इस्तेमाल किया और कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया। अब हम आपको बाकी के अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे, ये लो। क्या साहब आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? हम ये किताब कैसे पढ़ सकते हैं? हमने तो आज तक किताब की सूरत तक नहीं देखी। अरे साहब काला अच्छा भैंस बराबर। पढ़ना नहीं आता? अरे तो भाई पढ़ना लिखना सीखो, क्योंकि ये तुम्हारे बाल बच्चों के भी काम आएगी। हम जैसे लोगों के लिए तो सरकार ने पौर शिक्षा केंद्र बनाया है, मैं तो वहाँ रोज जाती हूँ। मैं आज सबको वहाँ पे हुई एक घटना सुनाती हूँ। अम्मा? अरे अम्मा तू यहाँ
करने आई है? किसी को ढूंढने आई है क्या? अरे नहीं बेटा, किसी को ढूंढने ऊंढने ना आई हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ना लिखना सीखने आई हूँ। पर अम्मा, इस उम्र में पढ़ के क्या करोगी? क्यों, पढ़ने लिखने की भी कोई उम्र हो गए क्या? जब जागो तभी सवेरा जानो। रामायण गीता पढ़ने के लिए पंडिताइन से सुनना पड़ी थी रामायण गीता। बहुत अच्छे, फिर हम रामायण तुम्हें से सुनेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद है किसी को? तो भाइयों, आप सभी लोग अपना नाम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में लिखवाइए और ये किताबें पढ़िए, ऐसे आपको कानून के मायने समझ नहीं आएंगे। अब हम आप लोगों को एक छोटा सा नाटक करके दिखाएंगे। ये कहानी दामू की है। दामू एक कारखाने में काम करता है। वो उस कारखाने में कई सालों से काम करता है और एक विश्वसनीय मजदूर है। एक दिन वो देर रात तक काम कर रहा था। बहुत थकने के कारण उसके हाथ पांव कमजोर पड़ गए थे। उसकी आंखें धुंधलाने के कारण अचानक उसका हाथ मशीन में आ गया और वो जोर से चिल्लाया। सभी चिल्लाते हुए उसके पास भागते हैं। सायरन बजता है, शोर मच जाता है कि दामू का हाथ मशीन में आ गया। एम्बुलेंस बुलाई जाती है, दामू को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर बताता है कि दामू के हाथ का ऑपरेशन होगा। दामू के हाथ का ऑपरेशन किया जाता है। बाकी के मजदूर जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। दामू के हाथ का ऑपरेशन हो गया। अभी दामू ठीक नहीं हुआ है, उसके हाथ की पट्टी बंधी हुई है। वो अपने सारे बिल निकालकर अपने मालिक के पास ले जाता है और मेडिकल भत्ता मांगता है। साहब, आओ साहब। हाँ, आ जाओ आ जाओ दामू, कैसे हो? आज कैसा तेरा? साहब कैसा होगा साहब, बहुत खर्चा हुआ साहब। अच्छा, आप तो जानते हैं ना साहब, मेरा ये हाथ करते करते बचा है साहब। हाँ मालूम है मुझे साहब, ये बिल अगर मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। किस चीज़ का बिल है? साहब दवाओं का है साहब। अरे रामू, इतने सालों से काम कर रहा है हमारे यहाँ, तुझे इतना भी नहीं पता कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है? अरे भाई उधार चाहिए तो ले लो, तनख्वाह में से कटवाते रहना धीरे धीरे हमेशा की तरह। लेकिन साहब मैं तो काम भी नहीं कर सकता साहब। दामू अभी जाओ, मुझे बहुत काम करना है। पर साहब अभी तुम जाओ, दामू मैं बहुत बिजी हूँ इस समय, प्लीज। अरे देख रहे हो मैं बिजी हूँ, जाओ ना यार। अब दामू को बस एक ही चिंता सताई जा रही है कि वो उधार के पैसे कैसे चुकाएगा। तभी उसका एक दोस्त आता है और एक किताब देता है जिसमें मजदूरों के अधिकारों के बारे में लिखा होता है। वो उसे बताता है कि वो अपने मालिक से इसके लिए मुआवजे का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब मुआवजा मांग सकता है। अरे सर, आपकी विवाह की कंसाइनमेंट नहीं आई अभी तक? अरे हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है यहाँ पे, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बंद कर दे फैक्ट्री। साहब आ जाओ, परसों तक आ जाएगा। आओ जाओ साहब। लीजिए साहब, पढ़िए से। क्या है इसमें? मजदूरों के अधिकारों के बारे में लिखा है। Thank you.
बैठो। सलाम साहब। सलाम। तो समझ में आया भाइयों कि इस किताब का कितना महत्व है? अपने हक को जानना और उसका सही इस्तेमाल करना, फिर देखना जिंदगी का खुशनुमा रंग। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, कहो तो मैं छुट्टी कर लूं। नहीं नहीं, तुम्हें छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं, अभी अभी दवाई ली है मैंने, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। बस इतना करना, मुन्नी को स्कूल छोड़ते हुए मेरी फैक्ट्री में जाके मुंशी जी को कह देना कि मैं बीमार हूँ। वो तो मैं बता ही दूंगा, पर तुम मुन्नी को काहे स्कूल भेज रही हो? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुन्नी को स्कूल की छुट्टी करवा देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी सेवा से ज्यादा जरूरी है मुन्नी का स्कूल जाना। वैसे भी कमला ताई को मैंने बुलाया है, आती ही होगी वो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जा मुन्नी। चलो बेटा तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। आओ बेटा। फैक्ट्री में आज काम ज्यादा है, इसलिए तुम सबको देर तक रुकना पड़ेगा फैक्ट्री में, समझे? लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हम जितना पे ज्यादा काम करेंगे आप उसका अलग से पैसे तो दोगे ना? मतलब क्या कह रही है? मतलब ओवर टाइम मुंशी जी। हाँ हाँ, ओवर टाइम। अरे ऐसा कभी पहले हुआ है क्या? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल गया है। एक मजदूर को ज्यादा काम कराओगे तो उसको उसके हिसाब से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब ओवर टाइम। इसलिए मुंशी जी अगर हमें अलग से पैसा दोगे तो हम देर तक काम करेंगे, नहीं समय से अपने घर चले जाएंगे। हायराम, क्या हो गया? साइरन की बजाओ। गजब हो गया, गजब। क्या हुआ? अरे वो अपनी रजनी है ना, आज सुबह फैक्ट्री में काम करते हुए ऊपर से वजन गिरने की वजह से उसका मर्द। शंकर, हे भगवान, क्या हो गया? अभी उसकी बेटी तो बहुत छोटी है। चल चल मैं भी चलती हूँ, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अस्पताल ले गए, मुझे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। चल चल चल। देखो बिल्कुल पथरा गई है, इसे होश में लाने के लिए इसका रोना बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार भी तो कितना करते थे ना, बिल्कुल हंसों के जोड़ों की तरह एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। अरे किस्मत। रोले रजनी, रोले रजनी, रोले, मर गया शंकर। रजनी संभाल अपने आप को, हिम्मत से काम ले रजनी, हिम्मत से काम ले। होले, मर गया शंकर, नहीं आएगा ये वापस। रजनी, मत ले जा, हर जाए करके बोल देते मुझे छोड़ के ले जा, चले गए मुझे छोड़ के। संभाल अपने आप को,
नहीं रजनी, नहीं होता। मैं क्यों जियो? किसके लिए जियो? अपनी बेटी के लिए। रजनी देख, इसको पढ़ाने का नहीं, इस काबिल बनाना है कि शंकर की आत्मा को खुश हो जाए वो। इस हाल में अगर सोच एक पल के लिए कि शंकर की आत्मा को शांति मिलेगी तुझे इस हाल में देख के, कैसे इसके जिम्मेदारी तुम्हें बदली? फैक्ट्री से जो मुआवजा मिलेगा इस घटना का, उसके पैसे गुड़िया के नाम पे बैंक में जमा कर देना, और उससे गुड़िया की परवरिश और पढ़ाई करेंगे। समझ गई? हाँ, मतलब मेरी बहन, मुझे पता है इससे बड़ा दुख दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना, जीना पड़ता ना जिंदगी, तुझे भी जीना पड़ेगा अपनी दुनिया से ही अपनी बेटी के लिए। हाँ, अपने अंदर वो हिम्मत लानी पड़ेगी रजनी, हिम्मत से काम ले रजनी, हिम्मत से काम ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे रजनी, शायद तुम मुझे ढूंढ रही हो। नमस्ते मैनेजर साहब, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आओ आओ बैठो। आइए बैठिए, बैठो। हमें बहुत अफसोस है, शंकर बहुत मेहनती आदमी था, उस जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। ये रहे पैसे, शंकर के आखिरी महीने की पूरी तनख्वाह है, अब हमारा और आपका हिसाब बराबर है। ये क्या है मैनेजर साहब? क्या क्या मतलब? मतलब तो आप भी खूब समझते हैं, हम यहाँ अपना मुआवजा लेने आए हैं, ये नहीं। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? शंकर की मौत फैक्ट्री में काम करते करते हुई है, इसलिए इसका हक बनता है कि उसे उसका मुआवजा मिले। देखो लड़की, मुझे सादा खादा कानून मत सिखाओ, हमारे फैक्ट्री में न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा होगा। आप कौन होते हैं कहने वाले? हमें मालिक से मिलना है। हाँ, मालिक के पास तो कोई काम ही नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा। मैनेजर साहब, तमीज से बात कीजिए, हम यहाँ खैरात लेने नहीं आए। देखो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया, अब तुम यहाँ से जाओ, चलो जाओ। साहब। हाँ आओ। हाँ क्या बात है? साहब ये रजनी है, शंकर की घरवाली। अच्छा 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 अच्छा, शंकर तो बहुत मेहनती इंसान था, मुझे बड़ा अफसोस है उसका। उसकी तनख्वाह तो घर पहुंच गई ना? लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अरे मुआवजा उवजा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, ये कानून है, कानून, ये हमारा हक है, किसी का हक माना इंसाफ नहीं होता साहब। तुम छोटे मोटे लोग मुझे कानून सिखाओगे? साहब हम छोटे लोगों के लिए सरकार ने लेबर कोड बनाए, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे साहब। चल। अरे रुको रुको रुको, ओए तुम जाओ यार, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, मुझे भी बड़ा अफसोस है, मेरी फैक्ट्री का लेबर था वो। तुम लोग इत्मीनान से घर जाओ, पैसे घर पहुंच जाएंगे। आप हमें छोटे लोग समझते हैं, लेकिन हमें अपना कानून पता है, अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो कोर्ट में फैसला होगा। अरे मेरी माँ, मैंने बोल तो दिया, दे रहा हूँ मुआवजा, घर जाओ, पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है साहब, राम राम। चल बच्चे। घर में कोई है? जी घर में कोई है? अरे सुपरवाइजर साहब,
नमस्ते। नमस्ते। मालिक ने आपके लिए मुआवजा भिजवाया है, ये लीजिए पैसे। जी धन्यवाद। और जरा आप यहाँ पे अंगूठा लगा दें। जी कहाँ पे? यहाँ पर। धन्यवाद। नमस्ते।